वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बारिश के मौसम में अगर किसी भी चीज़ का पकोड़ा मिल जाए शाम के नाश्ते में तो खाने का कुछ मज़ा ही अलग है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अरबी के पत्ते का स्पेशल पकोड़ा। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है इसको बनाना और टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। पत्ते के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा अरबी के पत्ते। यहाँ पर मैंने कुछ अरबी के पत्ते ले लिए हैं और इसको अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया है साफ पानी से, क्योंकि इसमें बहुत सारा डस्ट होता है। इसके लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, इसके बाद हम ले लेंगे हल्दी का पाउडर 1 चम्मच, और यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हुए हैं लहसुन का पेस्ट। लहसुन के पेस्ट में मैंने सूखी हुई लाल मिर्च को भी पीस दिया है, और यह 1 चम्मच आमचूर का पाउडर। आमचूर के पाउडर के बदले आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ले लेंगे 1 कटोरी के करीब बेसन, यहाँ पर मैंने छोटी कटोरी से 1 कटोरी लिया है। हम सारे पत्ते को एकदम छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे, क्योंकि हमें पकोड़े बनाने हैं इसलिए। और पीछे का जो डंठल वाला पार्ट होता है उसको हम काट करके हटा देंगे। ये देखिए, मैंने छोटे छोटे पीसेज में पत्ते को काट लिया है और उसको एक साथ पकड़ करके छोटे छोटे बारीक मैंने इसको काट लिया है। तो इसी तरीके से सारे पत्ते को। सारे पत्ते को बारीक काट लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे बाकी की चीज़ें। सबसे पहले इसमें बेसन हम डाल देंगे। बेसन डालने के बाद इसमें जाएगा नमक, हल्दी का पाउडर, और यहाँ पर मैंने रखा हुआ है 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और उसमें मैंने सूखी हुई लाल मिर्च को भी पीस दिया है, क्योंकि अलग से पीस के डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही इनहेंस करता है। और इसमें जो आमचूर का पाउडर हम डालते हैं वो खटास के लिए, और आमचूर का पाउडर अगर नहीं है तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस पत्ते की प्रॉपर्टी होती है थोड़े से मुंह को काटता है ये, इसलिए हम इसमें खटाई का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसकी जगह पर नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और अलग से मिर्च पाउडर भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को अपने हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे बिना पानी ऐड किए हुए, क्योंकि पत्ता जो है नमक डालने की वजह से पानी रिलीज़ करता है, इसलिए हम पानी बाद में अगर हमें रिक्वायरमेंट हो तब हम थोड़ा सा 2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं, और अच्छे से मिलाकर हम इसको एक डो के फॉर्म में रेडी कर रहे हैं। ये देखिए, हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल रेडी हो गया है इस फॉर्म में। अब हम इसको फ्राई करते हैं। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल मैंने गर्म कर लिया है, इसमें हम छोटे छोटे पकौड़े डाल करके फ्राई करेंगे। एक बार में जितना भी पकौड़ा इसमें अट सके मैंने उतना डाल करके इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है, और फ्लेम हमारा लो टू मीडियम ही रहेगा। पकोड़ा हमारा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन अच्छा कलर आ गया है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे पकोड़े को फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए गाइस, हमारा गर्मा गर्म अरबी के पत्ते का पकोड़ा बनकर रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसको शाम के नाश्ते, चाय के साथ, या फिर बारिश के मौसम में इस पकोड़े का लुत्फ उठाने का आनंद ही कुछ अलग है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।